लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी लोग निभा रहे हैं। लगातार प्रदेश में वोटिंग हो रही है, प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग जारी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के सांगानेर इलाके में, जहां पर हमारे संवाददाता राजनारायण शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनारायण, किस प्रकार का माहौल है, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां आप देख पा रहे हैं? लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी भूमिका निभाने को आतुर नजर आ रहा है। राजनारायण, देखिए इस समय जो मौजूद हैं हम सांगानेर के विधानसभा क्षेत्र के मानसरो इलाके में, और ये स्कूल का नाम है खिलजोड़ों का आवास। यहाँ पे दो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस समय जो है करीब 12:30 बजे का समय हो चुका है, 1 बजे का समय हो चुका है। यहाँ पे करीब 35% मतदान जो है अब तक हो चुका है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से लाइन लगी हुई है। सुबह से यहाँ लाइन जो है वो लगी हुई थी, और अब धीरे धीरे क्योंकि गर्मी का तेज जो है ना शुरू हो चुका है, इस वजह से जो है लाइन थोड़ी धीमी पड़ी है। और अभी और मतदाता से देखिए आप उधर यूथ जो नए बच्चे आज जो वोट दे के आए हैं वो भी अपना फोटो खिंचा रहे हैं, जो निर्वाचन विभाग ने जो ये सेल्फी पॉइंट बनाया उसको लेके। और मैं जानना चाहता हूँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? विधि, पहली बार वोट डाला होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला? सर्टिफिकेट नहीं मिला। निर्वाचन आयोग ने तो बहुत बड़ी पहल की है यूथ के लिए, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, बहुत बड़े से जब बड़े हो जाएंगे तब आपको वो याद रहेगा पहला मेरा वोट हुआ है। कैसा देखते हो आप इस लोकतंत्र के पर्व को? आपको कैसा लग रहा है जैसे पहली बार वोट डाला? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? लोग कर रहे हैं हम देश के लिए तो। आपका मत का आपका अधिकार है तो उसको आपको मिला है। ठीक है, तो अब हम इधर भी चलते हैं जो यहाँ मैडम आप ही बताइए, यहाँ की जो बीएलओ हैं उनसे भी हम बात करते हैं। मैडम आप यहाँ बीएलओ, तो आप बच्चों को जो नए बच्चे हैं जिनको निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि आपको वो, तो आप दे नहीं रहे उन बच्चों को? अरे उन सबको अच्छा बात नहीं करी वैसे जा रहे, तो आप ओके उनको फिर दीजिए। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बीएलओ की छुट्टी वो देखिए। और हम इधर लाइन में जो है लाइन में आपसे बात कराते हैं, जो कुछ मतदाता हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। अभी भी धूप तेज हो चुकी है, आप वोट डालने आए हो लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए, कैसे क्या करते हैं? बढ़िया, इसे मना रहे हैं पर्व लोकतंत्र का, और हमें बड़ी खुशी है वोट डालने की। सभी को वोट देना चाहिए? हाँ, सबको वोट देना चाहिए, अधिकार सबको अधिकार है वोट डालने का, तो पर्व में शामिल है। ये जो लोग हैं बता रहे हैं कि हम जो है इस पर्व के अंदर शामिल है और ये हमारा अधिकार है यहाँ वोट डालने का। तो ये देखिए विजय जी, अब बताइए कि आप वोट डालने के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और वोट सबको डालना चाहिए, हमारा अधिकार है। तो आप इतने लेट कैसे आए? बहुत जागरूक मतदाता हो आप, तो जल्दी आना चाहिए। एक्चुअल में कुछ फैमिली काम भी रहते हैं तो थोड़ा दुर्गापुरा चले गए। ओके, आते हैं। और हम जानना चाहते हैं, देखिए जो मतदाता है वो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार यहाँ कर रहे हैं। एक और मतदाता है, बताइए आप आज वोट डालने के लिए आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि नया सरकार चुनने को मिल रही है, क्योंकि 5 साल बाद फिर वोटिंग होगी तो बहुत बड़ा पर्व है। लोकतंत्र में मतदान जरिया होता है सरकार चुनने का, क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक मतलब भी यही होता है कि हम हमारी पसंद की सरकार चुन सके, तो उसके लिए मतदान अनिवार्य है और हम सभी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, तो दोनों ही हिसाब से हमको वोट करना चाहिए। निर्वाचन की इस बार अपील है, निर्वाचन आयोग की अपील है, और आप देख रहे हैं व्यवस्था भी शायद यहाँ व्हील चेयर से लेकर पानी की सारी व्यवस्था की गई, किस व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी है, इस बार निर्वाचन आयोग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी किया है, और जो बुजुर्ग थे उनके लिए घर जाकर के वोट डलवाने की भी जो सुविधा करी है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी है, क्योंकि जो नहीं डाल सकते उनको भी इस बात के लिए मौका मिले और वो भी भागीदार बन सके, तो ये मैं समझती हूँ अच्छी अपील है। देखिए जो मतदाता हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था की है वो भी बहुत अच्छी है। और एक और गुड़िया है जिससे हम जानना चाहेंगे कि ये आज शायद यूथ है पहला वोट लोकसभा का डालने आ रही है, बताइए आप किस तरह से आप देखते हैं आज पहली बार आप वोट डालने आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं मतलब अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही हूँ एज अ इंडियन सिटीजन, और काफ़ी प्राउडली कर रही हूँ। तो पहली बार मतदान कर रहे हैं, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, अब आपको यादें रहेगी कि पहली बार जब मतदान किया, निर्वाचन आयोग की इस अपील को, इस सर्टिफिकेट को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी मतलब यूथ को एंगेज करने के लिए बहुत अच्छी पहल है ये इलेक्शन कमीशन की। तो आप देखिए तस्वीरों में पीछे भी मैं दिखाना चाहूंगा, छोटी सी गुड़िया भी आई है, मैं दिखाता हूँ किस तरह वोट कर रहे हैं। लाइन से सब अपनी बड़ी बारी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं। जी
जी बिल्कुल राजनारायण, हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। लगातार नजर बनाए रखें।